नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हर्षित डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो दोस्तों, आप सभी को एक खुशखबरी देना है। खुशखबरी ये है कि जो हमारा यूट्यूब चैनल है हर्षित डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल, उस पर 27 जनवरी को 1000 सब्सक्राइबर पूरे हुए और 31 जनवरी को 1120 सब्सक्राइबर। इसके लिए आप सभी सब्सक्राइबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद आपके सपोर्ट के लिए। जो सपोर्ट आपने मेरे चैनल पर बनाए रखे हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जिसके कारण मेरे सिर्फ 5 महीने में ही 1100 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। मैंने यूट्यूब चैनल जो है सितंबर या अगस्त की 18 तारीख को किया था। लगभग 5 महीने में ही मेरे 1100 सब्सक्राइबर पूरे हो गए और वॉच टाइम भी अच्छी ग्रोथ कर रहा है। अभी लगभग 550 आवर्स कम का वॉच टाइम कंप्लीट हो चुका है। मुझे लगता है ये भी बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा आप सभी के सपोर्ट के कारण। तो दोस्तों, इसी प्रकार का सपोर्ट बनाए रखें मेरे चैनल पर। वीडियो को पूरा ज़रूर वॉच करें, जिससे आपको जो भी जानकारी है या मेरे फार्म से रिलेटेड जानकारी वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और क्या, मैं अपने चैनल पर अभी तक जो है ना शॉर्ट वीडियो बहुत ज़्यादा अपलोड किया हूँ, इस कारण मेरे सब्सक्राइबर बहुत ही फास्ट ग्रोथ हुई है। और मैं लॉन्ग वीडियो थोड़े कम अपलोड कर रहा था, इसलिए थोड़ा वॉच टाइम अभी 550 आवर का हुआ है। पर मुझे उम्मीद है कि आप सभी जो इस प्रकार से सपोर्ट कर रहे हैं और वीडियो वॉच कर रहे हैं, यह भी लगभग 2 से 2.5 महीने में कम्प्लीट हो जाएगा। और मेरा जो डेयरी फार्म का शेड बन रहा था वह अभी कुछ आज बेस पूरा हो गया, ऊपर साइड से वॉल वगैरह सब बनकर तैयार हो गई है। अब सिर्फ जो टीन का शेड ऊपर वाला छत है वह बनने की है। वह भी लगभग 2 से 4 दिनों में, अगर हम देखें, अगर अपना बजट जो भी है उसके हिसाब से अगर कंप्लीट हो जाए तो 2 से 4 दिनों में उसका भी पूरा काम फाइनल कर देंगे, जिससे हमारा पूरा शेड बन जाएगा। और हमको 2 गाय और ख़रीद कर लाना है। अभी 5-4 भैंस और 1 गाय है, तो अगर हमारी गाय HF जो लेकर लाए थे अगर वो बिक जाती है तो और 2 गाय लाएंगे, वो लगभग हैवी मिलकर लाएंगे, 20-20 लीटर लगभग जो दे। तो इस प्रकार से हमारे फार्म में अभी जो हमारे फार्म पर दूध है वो 35 लीटर हो रहा है। अभी जो हमें पर लीटर प्राइस मिल रहा है वो 48-49 के लगभग में पर डे मिल रहा है। हमारी फैट भी है जो 6.2 के आसपास ही डेली रह रही है। तो मिल दूध का प्राइस भी अच्छा लग रहा है, पर अभी जो खल का प्राइस है वह बढ़ गया है। 3450 रुपये हमें मिल रही थी जो डेयरी वाले छोड़ रहे थे, पर अब आज का प्राइस है वो 35 रुपये लगभग हो गया है, तो वहाँ 50 पैसे बढ़ गया। देखते हैं, खल की जगह अगर हम कोई दूसरा चीज़ अगर दिया, खल को जैसे 2 kg दे रहे थे तो हम उसको 1 kg देंगे। तो ऐसे ही कुछ ना कुछ उसका उपाय करना पड़ेगा, जिससे हमें जो उनके खाने का खर्च है वह कम किया जाए। और रही बात भूसे की, वह तो हमें पर्याप्त मात्रा में हमारे खेत से मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपको ऐसी ही अगली वीडियो में।